अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहरयार और आप देख रहे हैं एनी वीडियोस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है किसी भी चीज के बारे में, लाइक सैमसंग। ये देखिए, ये मैंने सैमसंग के बारे में सर्च किया, तो ये देखें, सबसे जो ऊपर आया है वो सैमसंग की जो ऑफिशियली वेबसाइट है वो आई है। ठीक है, ये देखें। ठीक, और फिर अदर वेबसाइट आए हैं। ठीक है, लाइक दिस। लेकिन सबसे फर्स्ट पे कौन सी वेबसाइट है जो कि उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, www.samsung.com। ठीक है, ये देख। अच्छा, तो इस जगह पे कोई और भी वेबसाइट आ सकती थी, लाइक जैसे कि ये नीचे वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर ये वेबसाइट ही क्यों ऊपर आई। तो इसका मकसद ये है कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर के जरिए ये वेबसाइट जो है वो सबसे टॉप पे आई है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर क्या करता है, वो आपको टैग प्रोवाइड करता है कि आप जो गूगल के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर सर्च करते हैं तो उस पर जो सर्चिंग है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, और इसीलिए ये वेबसाइट ऊपर आई है क्योंकि सैमसंग पर जो सबसे ज्यादा वर्क है, ठीक है, वो उसके अपनी ही वेबसाइट पे हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ऊपर इनकी वेबसाइट आ गई है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे किसी टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके व्यूज ज्यादा आए, आपकी जो वीडियोस पर जो व्यूज है वो इंक्रीज कैसे ज्यादा हो, आपके सब्सक्राइबर ज्यादा कैसे हों। ठीक है, क्योंकि आपकी वीडियोस का जो कंटेंट है वो ही बेस करता है आपकी एक कंटेंट और दूसरा उसके टैग, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपकी वीडियो की व्यूज को इंक्रीज करने में। तो गूगल ने हमें एक बहुत ही अच्छा प्लानर दिया है, की प्लानर, जिसका नाम है की प्लानर। उस पर जाकर आप SEO के बारे में, आपको जरा उसके रिलेटेड कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ना स्टार्ट करते हैं की प्लानर। आपने जस्ट गूगल पे लिखना है की प्लानर। ठीक है, ये देखें, ये की प्लानर आ गया। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है गूगल की प्लानर। ये असल में adword.google.com का हिस्सा है। ठीक है, तो आप जाएं adword.google.com। ठीक है, आप जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपसे एडवर्ड का ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, आपने साइन इन कर लेना है सिंपली इसको। ठीक है, साइन इन करने के बाद ये आपका एडवर्ड डॉट गूगल ओपन हो जाएगा। आपने जाना है सेटिंग पर। ये सेटिंग पर जाना आपने। सेटिंग पर जाने के बाद इधर लिखा होगा की प्लानर, ये देखें कीवर्ड प्लानर, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपको एक पेज पे ओपन कर लेगा जो कि गूगल एडवर्ड का एक हिस्सा है, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, आपने इसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने इधर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर क्लिक करता हूँ, एक वर्ड लिखता हूँ हाउ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस हाउ वर्ड के साथ आपको कितने टैग्स, किस किस तरह के टैग्स मिल सकते हैं और इन पर कितना, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस पर कितना पे करते हैं। ठीक है, और इसके बारे में, और इसकी जो मंथली व्यूज की लिमिट है वो कितनी है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है
ये लोडिंग हो रहा है, 1 मिनट। मैं आपको बताता हूँ कि इस पर सर्चिंग कितनी हुई है 1 मंथ में। तो ये देखें, एवरेज मंथली सर्चेस इस हाउ वर्ड पर 1 मिलियन से 10 मिलियन तक आपको सर्चिंग मिलती है, ठीक है। और इस पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको इस वर्ड पर 18 रुपीज देता है, ठीक है। और इसका जो कंपटीशन है वो बिल्कुल लो है, ठीक है। अब आपने इधर हाउ एंटर किया है, ठीक है। अब इस हाउ के साथ आप कौन सा टैग यूज करें कि आपको कौन सा कंटेंट इससे रिलेटेड यूज करें कि आपकी जो एवरेज मंथली सर्चिस है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। और इधर जो पेमेंट है एडवर्टाइजमेंट की वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। लाइक आप यहाँ लिखते हैं हाउ टू फाइंड माई फोन, सो ये देखें, अगर आप अपनी वीडियोस में ये कंटेंट यूज करते हैं फाइंड माई फोन, तो इसको जी तो इसकी जो एवरेज है, तो इसकी जो एवरेज है वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक है, ठीक है। और इस पर आपको एडवर्टाइजमेंट 42 रुपीज मिलेगा, ठीक है। अगर आप लिखते हैं लोकेट माई फोन, तो इस पे 92, ठीक है। ऐसे ट्रैक माई फोन 73। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर का मकसद ये होता है कि वो आपके जो आप अपने वीडियोस में कंटेंट में जो आप जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है, वो कितना बेस्ट यूज करते हैं और उसके बारे में जो सर्चिंग है वो कितनी ज्यादा होती है, ठीक है। जिस ऑफिशियली जिस चीज के बारे में सर्च ज्यादा होगी उसके वो उतनी ही ज्यादा पॉपुलर होगी, ठीक है। तो ये SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर ये है ही सारा कंटेंट पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, कि आपका कंटेंट वो किस तरह का यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखें, अगर आप कंटेंट यूज करते हैं फाइंड माई फोन वाला, ठीक है, तो उस पर 42 रुपीज आपको मिल रहे हैं और 1 मिलियन से 10 मिलियन व्यूज भी होने के बाद भी आपको 42 मिल रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें लोकेट माई फोन, तो उसपे 10K से 100K व्यूज हैं, हालांकि ऊपर हम देखें 1 मिलियन से 10 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन उस पर 42 PKR मिल रहा है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला टैग यूज करते हैं कंटेंट, तो आप व्यूज तो कम होंगे लेकिन उस पर जो अर्निंग होगी वो 92 रुपीज होगी, वो इसके मुकाबले में डबल होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर है ही आपका जो ये कंटेंट है या आपका ये जो टैग है इस पर डिपेंड करता है कि कितना पावरफुल है। उम्मीद करता हूं कि आपको SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर के बारे में कुछ काफी हद तक आइडिया हो गया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एनी वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।